सर बहुत अच्छा लगा, एक तो आज का मैच देखकर आपका दोबारा इंटरव्यू कर रहे हैं, दोबारा आपसे बात करने का मौका मिला है। तो आज का मैच हमने देखा है, बहुत अच्छी माशाल्लाह आपकी टीम की परफॉर्मेंस रही है और इसमें यकीनन सारा क्रेडिट आपको आप कोच को जाता है। तो कैसा आपने माशाल्लाह मेहनत की, इनके किस प्रोसीजर से गुजार के इनको इतना तैयार किया? सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने हमें इतना अच्छा स्टार्ट दिया और इतनी अच्छी हम लोगों ने विक्ट्री हासिल की आज। और सारा क्रेडिट मैं पूरी टीम को दूंगा कि लड़कों ने जैसा प्लान था उसके मुताबिक क्रिकेट खेली और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं थे, पॉजिटिव खेले हैं, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। सही है। तो क्या ये तो बात कंफर्म है कि पिंडी की टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोचिंग की गई उनकी, प्रैक्टिस सेशन और वो सारी चीज़ें, तो क्या आप जेहलम की टीम के बारे में कहते हैं, क्या वो माठी थी या पिंडी की टीम बहुत ज़्यादा अच्छी? जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्रिकेट में सबसे जरूरी चीज़ है पॉजिटिव खेलना, तो क्रिकेट हो रही है वनडे क्रिकेट, जेलम की टीम बहुत अच्छी टीम है, लास्ट ईयर की चैंपियन टीम है, तो इस दफ़ा जो एज ए कोच मुझे लगा कि उनकी जो टीम में कोई प्लानिंग नहीं थी, और दूसरा बहुत ज़्यादा डिफेंसिव क्रिकेट खेली उन्होंने, जो ऐसे वनडे को खेलना चाहिए था, मतलब अपनी विकेट्स तो वैसे ही गिर रही हैं, लेकिन उनके माइंड में सिर्फ ये था कि हमने 50 ओवर क्रिकेट खेलनी है, बस 50 ओवर हम गुजार दें, लेकिन उसमें ये नहीं था कि 50 ओवर खेलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्कोर होगा तो फाइट होगी, तो 50 ओवर तो वो खेलने के लिए गए लेकिन स्कोर की तरफ नहीं गए। अगर वो स्कोर की तरफ साथ जाते और थोड़ा बहुत स्कोर अच्छा होता तो मैच थोड़ा और अच्छा होना था। तो अभी माशाल्लाह से हम देखा 14-15 ओवर में सारा स्कोर चेंज कर लिया गया, बहुत अच्छी चीज़ थी। तो इसमें आप अभी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है आपकी प्लेयर्स की? जारी बात है कि जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म करें उसमें फिर भी बेहतरी की गुंजाइश रहती है। जी बिल्कुल, आज की भी मैच से हमने काफ़ी कुछ सीखा है, इस चीज़ में भी काफ़ी गलतियाँ थी जो थोड़ी बहुत रह गई हैं, जो एरियाज रह गए हैं उन पर इंशाल्लाह आगे 2 दिन हमारी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेशन है, उसमें हम इंशाल्लाह उस पर वर्क करेंगे। जैसे आज हमारे 2 कैच ड्रॉप हुए, नहीं होने चाहिए थे इतनी प्रैक्टिस के बाद, पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि नेक्स्ट वो गलतियाँ कैच ड्रॉप करने की या मिस फील्डिंग की ना हो, और अगर वो कैच हो जाते तो ये स्कोर और मैच जो है और ज़्यादा लो स्कोरिंग होना था। तो नेक्स्ट टीम जो है अटक के साथ मैच है हमारा, अटक की टीम नो डाउट अच्छी टीम है, और किसी भी टीम को हम लोगों ने ये सोच के नहीं खेली क्रिकेट ना खेलेंगे कि वो आसान टीम है, क्रिकेट कभी भी आसान नहीं होती, एवरी डे इज़ ए न्यू डे, एवरी गेम इज ए न्यू गेम, तो इंशाल्लाह एक नए प्लान के साथ और नई एनर्जी के साथ हम लोग आएंगे। तो 12 तारीख को इंशाल्लाह 2 दिन के बाद हमारा मैच है अटक के साथ, और 2 दिन में हमारा गैप है, उसमें इंशाल्लाह हम लोग ज़्यादातर कोशिश करेंगे फील्डिंग पे अपने जो हमारे एरर्स हैं उस पर काम करें, और जो बॉलर्स हैं उनको टारगेट बॉलिंग ज़्यादा करवाएंगे ताकि एक जगह पर विकेट टू विकेट से गेम करते रहें, और इसी तरह से बैटिंग के ऊपर काम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी कि हर बंदा आने वाले को अच्छा एक स्टार्ट दे के जाए, दूसरे के लिए आसानी हो, वो आके एक अच्छे माहौल में एक आसान माहौल में क्रिकेट खेल सके, ये नहीं कि ऊपर से 3-4 आउट हो जाए तो वो प्रेशर के साथ क्रिकेट खेलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। सर एक और बात जो कि क्रिकेट से हट के हमने नोट की कि आपने माशाल्लाह स्टूडेंट्स की क्रिकेट से हट के भी उनकी काफ़ी तरबियत, जिस तरह भी आपने खाने के हवाले से बात की, आपने इनकी बाकी मॉरल चीज़ों पे बात कर रहे हैं, ये बहुत कम टीचर, वेरी फ्रेंडली कह रहा हूँ, बहुत कम टीचर इस तरह करते हैं, वो कहते हैं हमें ट्रीट्स खाने का बोला गया, तो ये सर ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो इस हवाले से भी मेरे ख्याल अपनी टीम को एक अच्छा प्लेयर के साथ साथ एक अच्छा इंसान में बिल्कुल जी, कोच जो होता है वो एक उस्ताद का दर्जा रखता है, उस्ताद का काम ही है कि जिस जगह पे वो गलती या फ्लॉ देखे उसको फिर वो ज़रूर हाईलाइट करे, तो इंशाल्लाह जो बातें आज मैंने बच्चों से की हैं खाने के हवाले से भी, तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि उसमें भी डिसिप्लिन आएगा, हमने उन्हें डिसिप्लिन ही सिखाना है, क्योंकि कल इन्हीं लोगों में से स्टार बनने हैं और प्लेयर्स बनने हैं, तो कल जब भी किसी अच्छी जगह पर जाएंगे तो कम अज़ कम ये ज़रूर होगा कि इनको हर चीज़ का पता होगा कि हमने खाना कैसे खाना है, हमने बड़े के साथ बात कैसे करनी है, सीनियर का अदब कैसे करना है, जूनियर के साथ कैसे बिहेव करना है, तो ये सारी चीज़ें कोचिंग का हिस्सा ही हैं, कोचिंग सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग का नाम नहीं है, कोचिंग में ये चीज़ें भी आती हैं कि आपने एक प्लेयर की तरबियत भी करनी है। तो ओवरऑल अभी फिर नेक्स्ट के लिए क्या मैसेज है आपका, नेक्स्ट जो मैच आपके अटक के साथ होने वाला है उसके लिए कैसे आप प्रिपेयर हैं और क्या मैसेज देते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह प्रिपेयर तो हैं हम लोग, लेकिन फिर मैंने कहा कि हम लोग कभी भी रिलैक्स नहीं होंगे, कभी भी ईजी नहीं होंगे, पूरी एफर्ट के साथ हम लोग आएंगे और हर गेम को एक नई गेम, हर दिन को एक नया दिन समझ के क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि हर टीम की डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, डिफरेंट स्किल्स होती हैं जिसमें वो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो कोशिश यही होगी कि जो अटक की टीम है या उसके बाद हमारे चकवाल से मैच है, जो उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं उन पर हम काम करें और उनके जो आगे कोशिश करें कि हर्डल उनकी प्लानिंग के आगे रख सकें और उनको हम ब्लॉक करके और आगे चलें, और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि
हैं।